क्या आप अपने व्यस्त जीवन और शहर के प्रदूषण भरे वातावरण से ब्रेक लेने का कोई कारण ढूंढ रहे हैं? तो लोनावला एक बहुत ही आइडल चॉइस है, या मुंबई से 96 किलोमीटर और पुणे से 64 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कपल्स, फ्रेंड्स या फैमिली के लिए लोनावला में घूमने और अच्छी यादें बनाने के लिए बहुत सारे स्थान हैं। लोनावला एक्स्टैटिक वेदर, सैनिक लैंडस्केप्स, हेरिटेज साइट्स, स्टनिंग वाटरफॉल्स, रिमार्केबल केव्स और रिलीजियस अट्रैक्शंस का आनंद लेने के लिए एक आदर्श स्थान है। एक या दो दिन में लोनावला के दर्शनीय स्थलों को कवर करने में आपकी सहायता करने के लिए हमने सभी आवश्यक विवरण एकत्रित किए हैं। हमने सुबह अपनी यात्रा एकवीरा मंदिर से शुरू की। ये हमारे ठहरने के स्थान MTTC कार्ला से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है। MTTC कार्ला ठहरने के लिए बहुत ही आइडल रिजॉर्ट है। प्रसिद्ध एकवीरा आई मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो चिरंजीवी भगवान परशुराम की मां देवी एकवीरा को समर्पित है। एकवीरा आई मंदिर एक पहाड़ी पर स्थित है और मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको तकरीबन 500 सीढ़ियां चलनी होंगी। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार जब पांडव इस पवित्र स्थान पर गए तो एकवीरा माता उनके सामने प्रकट हुई। देवी ने उन्हें अपने लिए एक मंदिर बनाने का निर्देश दिया। पांडवों की कार्य दीक्षा का परीक्षण करने के लिए देवी ने शर्त रखी कि मंदिर का निर्माण रात भर में किया जाना चाहिए। पांडवों ने वास्तव में एक रात में इस खूबसूरत मंदिर का निर्माण कर दिया। पांडवों की भक्ति से प्रभावित होकर देवी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और वरदान दिया कि उन्हें गुप्त वनवास के दौरान कोई भी ढूंढ नहीं पाएगा। मानसून के मौसम में पहाड़ की चोटियों से आसपास का बेहतरीन नजारा देखने को मिलता है। आधी पहाड़ी के नीचे एक जगह पर देवी के पवित्र चरण चिन्ह अंकित है। जब आप यहाँ हो तो आप मीठी इमली का भी आनंद ले सकते हैं। एकवीरा मंदिर कार्ला गुफाओं से घिरा हुआ है। यही पास में हमारा दूसरा स्पॉट भी है, कार्ला केव्स। कार्ला गुफाएं प्राचीन बौद्ध भारतीय रॉक कट गुफाओं का एक परिसर है जो दूसरी शताब्दी में विकसित हुआ है। कार्ला गुफाओं में देश का सबसे बड़ा और सबसे अच्छी तरह से संरक्षित बौद्ध चैत्य हॉल है। यह भारत में सबसे बड़ा रॉक कट चैत्य हॉल है जो 148 फीट लंबा और 46 फीट ऊंचा है और बीच में एक विशाल स्तूप है। चैत्य हॉल के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर पहले से दिए गए एक वीडियो को देख सकते हैं। कार्ला गुफाओं में कुल 16 गुफाएं हैं, जिनमें से 3 महायान गुफाएं हैं। हॉल में शेर और हाथियों जैसे जानवरों की मूर्तियां बनी हुई हैं। आज गुफा परिसर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तहत एक संरक्षित स्मारक है। कार्ला केव से कुछ ही दूरी पर एक और लोकप्रिय पर्यटक स्थल है, भजा केव्स, जिसके चैत्य हॉल भारत में सबसे पुराने जीवित चैत्य हॉल के रूप में जाने जाते हैं। गांव से तकरीबन 400 फीट ऊपर भजा केव्स तक पहुंचने के लिए आपको लगभग 200 से 250 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। भजा केव्स 22 रॉक कट गुफाओं का संग्रह है। यहां 14 शानदार स्तूप भी हैं, जिनमें से 9 गुफाओं के बाहर और 5 अंदर हैं। स्तूप के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप हमारे वीडियो देख सकते हैं। कार्ला केव्स की तरह ही भजा केव्स के चैत्य हॉल के बीचों बीच एक विशाल स्तूप है। इसे भारत के राष्ट्रीय स्मारक के रूप में भी वर्गीकृत किया गया है। भजा केव से 3 किलोमीटर की दूरी पर ही अगला पड़ाव लोहागढ़ फोर्ट है।
लोहागढ़ किला मराठा साम्राज्य की सर्वश्रेष्ठ निर्मित किले में से एक है। यह किला समुद्री तल से लगभग 1050 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। लोहागढ़ ने सदियों से कई राजवंशों के उत्थान और पतन को देखा, जिसमें निज़ाम, मराठा और मुगल शामिल हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसे 1648 ईस्वी में कब्जे में लिया, लेकिन उन्हें पुरंदर की संधि द्वारा सन 1665 ईस्वी में इन्हें मुगलों को सौंपने पर मजबूर होना पड़ा। छत्रपति शिवाजी महाराज ने 5 साल बाद सन 1670 ईस्वी में किले पर फिर से अपना कब्जा कर लिया और अपने खजाने को रखने के लिए इसका इस्तेमाल किया। लोहागढ़ के चार बड़े द्वार अभी अच्छे स्थिति में हैं। लोहागढ़ के पीछे से पावना लेक को देखा जा सकता है। किला एक छोटी सी सीमा से पड़ोसी विसापुर किले से भी जुड़ा है। किले को सरकार द्वारा संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। लोहागढ़ फोर्ट के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर पहले से दिए गए वीडियो को देख सकते हैं। ये वे स्थान है जहां पर हम पहले दिन गए थे। अगले दिन हमने अपनी यात्रा नारायणी धाम मंदिर से शुरू की। नारायणी धाम 4.5 एकड़ में फैला एक विशाल मंदिर परिसर है, जो माँ दुर्गा को समर्पित है। सन 2002 में निर्मित मंदिर का निर्माण सफ़ेद पत्थरों से किया गया है और यह शहर का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। मंदिर परिसर में बजट होटल, महाप्रसाद भोजन, वेडिंग हॉल और अन्य कई सुविधाओं की भी व्यवस्था है। यहाँ मंदिर परिसर में एक गौशाला भी है। मंदिर हर सुबह 7 बजे से रात 10 बजे के बीच खुला रहता है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर पहले से दिए गए वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ से हम सुनील वाक्स म्यूजियम गए, जो कि कुछ ही दूर पर है। सुनील वाक्स म्यूजियम भारत का सबसे पुराना मोम संग्रहालय में से एक है। इसमें कई प्रसिद्ध क्रिकेटर, अभिनेता, राजनेता और वैश्विक हस्तियों की 100 से अधिक जीवन जैसी मोम की मूर्तियां हैं। म्यूजियम में छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों में एंजेलिना जोली, ब्रूस ली, अडोल्फ हिटलर, मिस्टर बीन, खिलाड़ियों में सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, MS धोनी, रोनाल्डो, मेसी, राजनेताओं में नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी, बाला साहेब ठाकरे, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, कार्यकर्ताओं में महात्मा गांधी, अन्ना हजारे, तो अभिनेताओं में अमिताभ बच्चन, सलमान खान, रजनीकांत जैसे अन्य कई लोगों की मोम की मूर्तियां हैं। डिटेल जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर पहले से मौजूद वीडियो को देख सकते हैं। टाइगर पॉइंट और लान पॉइंट नेचर और एडवेंचर लवर्स के लिए लोनावला में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। एक उल्लेखनीय सनसेट पॉइंट जिसे आपको मिस नहीं करना चाहिए। 650 मीटर की ऊंचाई पर प्रकृति की गोद में बसा ये स्थान एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण है। घाटी के समृद्ध हरे, आंखों को सुकून देने वाले दृश्य, धुंधली सुबह और हवा टाइगर्स लीप को मानसून के मौसम में घूमने के लिए सबसे खूबसूरत जगहों में से एक बनाती है। जब आप यहाँ हो तो सब कुछ भूल जाओ, दृश्य का आनंद लें और घोड़े या ऊंट की सवारी करें। मुंबई लौटते समय हमने यात्रियों के बीच प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक खंडाला घाट पर अगला पड़ाव बनाया। यहाँ आप खूबसूरत घाटी और पहाड़ियों को देख सकते हैं।
यह लोनावला से मुंबई की ओर 6 किलोमीटर दूरी पर है। लोनावला सिर्फ इन जगहों के बारे में नहीं बल्कि और भी कई जगह हैं जो इस वीडियो का हिस्सा नहीं बन पाए, जिसमें से कुछ हैं पावनाली, विसापुर किला, राजमाची पॉइंट, भूशी डैम, टिकोना फोर्ट, भैरवनाथ मंदिर, कुने फॉल्स और स्टेयर वाटरफॉल्स।